हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आप सभी का। दोस्तों आज की वीडियो में यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आप अपने YouTube चैनल का कस्टम URL कैसे सेट करेंगे, और साथ ही बताएंगे दोस्तों कि अगर आप लोग कस्टम URL पहले से सेट कर चुके हैं और उसको दोस्तों चेंज करना चाहते हैं तो कैसे आपको चेंज करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको जो है कि YouTube से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है, चाहे छोटा इन्फॉर्मेशन हो, बड़ा इन्फॉर्मेशन हो, या कोई भी तरीका का जो है कि यहाँ पे अपडेट हो, सारा चीज़ यहाँ पे दोस्तों मिलते रहता है। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे कोई भी बकवास नहीं होगा, ओनली 2 मिनट टाइम आपको देना है, आपको अपने जो कि यूट्यूब चैनल का URL सेट करके दिखाते हैं। तो इनके लिए दोस्तों पहले कुछ बात है जो आप जान लीजिए कि आप लोग URL सेट करें भी क्यों। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आपके नाम से चैनल है, जैसे मेरा नाम है, मेरे नाम से बताते हैं, मेरा जो चैनल है मिस्टर रामजी टेक है, तो आप जब वहाँ पे URL किसी को शेयर कीजिएगा तो आपको ये चीज दोस्तों यहाँ वहाँ पे नहीं आएगा, वहाँ पे कोई अटपटा ढंग का दोस्तों URL नजर आएगा, मतलब दूसरे टाइप का URL नजर आएगा। अगर दोस्तों आप URL को सेट कीजिएगा, जैसे मेरा नाम है मिस्टर रमनजीत टैग, तो दोस्तों वहां पे YouTube के चैनल के नाम के हिसाब से ही आप चाहे तो अपने URL को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि अगर आप अपने चैनल को कहीं शेयर कीजिएगा तो आपको अपना URL में नजर आएगा आपका जो है कि नाम दोस्तों। और दोस्तों अगर जो है कि URL में नाम रहेगा तो वो न्यू नाम होगा, देखने में भी बढ़िया लगेगा आपको जो है कि URL का, और जो है कि जो भी पढ़ेगा तो वो भी ज्यादा देखने में एक्टिव लगेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आप कोई बकवास नहीं होता, आप सीधे हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलते हैं। उसके बाद दोस्तों वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, दोनों सिखाएंगे। न्यू अगर URL सेट कर रहे हैं तो वो भी सीख लीजिएगा, अगर दोस्तों आप पहले से URL सेट कर लिए हैं तो वो भी आपको दिखाएंगे कि URL को वो जो पहले वाला URL है उसको डिलीट करना है, उसके बाद दूसरा URL कैसे सेट करना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आप मोबाइल। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो आप भी अपने मोबाइल को ओपन कर लीजिए और जिस टाइप से हम बताएंगे उसी टाइप से आपको अपना कस्टम URL चेंज करना है। तो आपको क्या करना है कि क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे यहाँ तक तो आप लोग आ जाइएगा आराम से। उसके बाद दोस्तों इसको डेस्कटॉप कर लीजिएगा, अगर आप डेस्कटॉप नहीं किए हैं तो डेस्कटॉप यहाँ से जो है कि कर लीजिएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेस्कटॉप साइड में आपको कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार का। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, मेरा ओपन हो रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा इंटरफेस। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपने जो लोगो है थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको दिखाते हैं, यहाँ देखिए अपने जो लोगो है इस पर क्लिक करना है। लोगो पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद योर चैनल जो है इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि थोड़ा वेट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो कस्टमाइज चैनल है इस पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। तो इस टाइप का दोस्तों साइड खुल जाएगा। तो आप दोस्तों स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखिए, उसके बाद ही आपको कुछ समझ में आएगा। अगर आप एक भी चीज़ मिस कर देते हैं तो फिर आप जो कि अपना URL चेंज नहीं कर पाइएगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, मेरा जो है कि नेट स्लो है इसलिए थोड़ा जो है कि स्लो स्लो काम कर रहा है। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे जो है कि मेरा आ चुका है। तो ऑलरेडी यहाँ पे दोस्तों एडिटिंग में जाना है, यहाँ पे एडिटिंग में देखिए हम आ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों बेसिक इन्फो जो है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, और दोस्तों यहाँ पे देखिए चैनल URL जो है, चैनल URL के नीचे ही दोस्तों यहाँ पे कस्टम URL है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे इसी को चेंज करना है। तो पहले दोस्तों मैं एक बार चेंज कर चुका हूँ, तो आप लोगों को बताने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है कि अभी हम जो है कि चेंज करके दिखाते हैं। और बता दें कि अगर आप पहले से URL को सेट कर चुके हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको कैसे चेंज करना है वो भी बताएंगे। तो आपको यहाँ पे जो है कि आपको सिंपली क्या करना है, जो डिलीट का ऑप्शन है यहाँ हटाएं, इस पर दोस्तों क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मेरा जो है कि साइड देखिए इस प्रकार से जो है कि ओपन होके आ जाएगा। तो उस पे दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको करना क्या है कि नीचे आना है, और यहाँ पे दोस्तों देखिए YouTube जो है कि यहाँ पे देखिए ध्यान से YouTube कस्टम URL, तो इस पे आपको क्लिक करना है।
इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आएगा, तो आपको रिमूव पे क्लिक करना है। रिमूव पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको रिमूव पे ही क्लिक करना है एक बार और, उसके बाद दोस्तों ये रिमूव हो जाएगा, आपका URL जो है कि रिमूव हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे आपको अपना URL लगाना है जो है कि आप अपने नाम से जो है कि सेट कर सकते हैं। ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए रिफ्रेश करने के बाद मेरा जो है कि कस्टम URL जो है वो रिमूव हो चुका है। तो अभी हम चलिए अब आपको यहाँ पे देख लीजिए अपना कस्टम URL दोस्तों सेट करके दिखाते हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पे कस्टम URL सेट करने के लिए आपको यहाँ पे सेट कस्टम URL पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो URL नज़र आ रहा है मेरा, देख लीजिए। आप अगर पहले बनाए होंगे तो आपको भी इस प्रकार का नज़र आएगा। तो मेरा जो है कि यहाँ पे मिस्टर अमजीत टैक है, तो दोस्तों यहाँ पे इस पर टिक करके उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पब्लिश का जो ऑप्शन आ रहा है तो आपको यहाँ पे दोस्तों पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फिर एक बार कंफर्म करना है, देख लीजिए आप पढ़ लीजिएगा इसको, उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म कर दीजिएगा। कन्फर्म करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर URL जो है कि सेट हो गया। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए URL आपका सेट हो गया। तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग जो है कि अपना URL चेंज करने के लिए या न्यू चैनल पे URL सेट करने के लिए सीखे कि नहीं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।